सो वेलकम एवरीवन। मैं ये बोल रही थी, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? और कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और इन सभी चीजों के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं, और इसी मेहनत के लिए हम दिन रात कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। इस वजह से हमारी लाइफ काफी बिजी और हेक्टिक हो गई है। हमारे पूरा दिन का शेड्यूल, सुबह उठना, तैयार होना, इसी प्रोग्रेस की चाहत में हम सब एक चीज भूल रहे हैं, वो क्या है? एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मील लेना। डेफिनेटली खाते हम सभी हैं, हम सब की जो डेली की डाइट होती है, दैट इज रेगुलर इंडियन थाली, इट इज वेरी मच हेल्दी, राइट? इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, पापड़, चटनी और स्वीट्स, सब कुछ स्वीट्स पसंद है, राइट? बिना स्वीट्स के खाना कंप्लीट भी नहीं होता है। सो ये एक बहुत हेल्दी डाइट मानी जाती है, बट क्या ये पूरा प्रॉपर डाइट है? क्या ये सारा हमारा दिन भर की जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए बैलेंस फॉर्म में प्रोवाइड कर पाती है? वेल, ये हम जब ये पूरी डाइट लेते हैं, इसमें कई बार क्या होता है, ये पूरा मिक्स करके हमारे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कुछ ज्यादा हो जाती है, प्रोटीन है वो थोड़ा कम रह जाता है, साथ ही साथ शुगर की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाती है। सो ये पूरा मिला के एक इम्बेलेंस डाइट हो जाती है। हेल्दी होती है बट इम्बेलेंस्ड होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विटामिंस, मिनरल्स ऊपर नीचे रहते हैं, जो प्रॉपर पूरा कंप्लीट हमें नहीं दे पाते। सो इसी वजह से, ये इम्बेलेंस डाइट लेने की वजह से काफी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन अप एंड डाउन रहता है। सबसे कॉमन है ओवरवेट होना, क्योंकि हम इंडियंस को खाना बहुत पसंद है, हम बिना ब्रेक के अगर कुछ फेवरेट हो तो बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से जब लगातार ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ओवरवेट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये ओवर ईटिंग एंड दिस काइंड ऑफ यू नो इम्बेलेंस डाइट लेने की वजह से इंडिया काफी अनहेल्दी होता जा रहा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इंडिया वर्ल्ड के थर्ड नंबर ओबीस प्रिविलेंट ग्रुप में आता है, पूरे वर्ल्ड के नंबर 3 पे। प्लस साथ ही साथ मोर देन 40% जो इंडियंस हैं, स्पेशली अडल्ट पर्सन्स जो हैं, वो रिस्क है ऑफ बीइंग अनहेल्दी जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट, दे आर एट रिस्क। प्लस अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आसपास 4 लोगों में से 1% आपको ओवरवेट मिलेगा ही मिलेगा। हम सब रिलेट कर सकते हैं, राइट? सब लोग ओवरवेट हो ही जाते हैं, बट व्हाट दिस ओवरवेट मींस, हमें कैसे पता चलेगा हम ओवरवेट हैं? इसका पता हम नॉर्मली BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है। ये बॉडी मास इंडेक्स एक वेट टू हेड का रेशियो है, वेट टू हाइट, हमारा कितना वेट है और कितनी हाइट है उसका एक रेशियो होता है। अगर ये रेशियो 20 के आसपास आता है तो दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन। इफ दिस रेशियो गेट्स यू नो कम्स इन द रेंज ऑफ 25-30 तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और साथ ही साथ अगर ये BMI का रेशियो 30 से इंक्रीज हो जाता है सो वो पर्सन एक ओबीस कैटेगरी में आता है। और जैसे जैसे BMI का इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज होने का रिस्क भी इंक्रीज होता है। अगर मैं कुछ जस्ट एक नेम सेक के ले लूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन ओबेसिटी है बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट। देन कम्स लाइक यू नो रिस्क ऑफ type 2 डायबिटीज, देन बीइंग हाइपरटेंशन होने का, BP होने की खतरा बढ़ जाता है। और ये सब दोनों चीज़ें हों तो ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। ओवरवेट होने की वजह से हमारे घुटनों पे भी बहुत जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो जस्ट कुछ थी, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट। बट ओवरवेट और ये सारी बीमारियाँ ना सिर्फ हमें बीमार होने का खतरा इंक्रीज करती हैं, प्लस साथ ही साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम कर देती हैं, राइट? हम बहुत सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम बाहर जा रहे हैं, हमारी रेगुलर डाइट लेनी है, हमें ये मेडिसिंस लेनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हम कई बार लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाते। बट इसके लिए, इससे बचना हो तो हमें क्या करना है, हमें हमारी डाइट को रेगुलेट करना है। और बट जैसे कि हमने बात की, हमारी लाइफ बहुत ही हैक्टिक एंड बिजी हो गई है,
सो इसीलिए हम हेल्थ सप्लीमेंट का हेल्प ले सकते हैं हमारी डाइट को न्यूट्रिशनली बैलेंस करने के लिए। सो इसीलिए एटमी लाया है न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एटमी बैलेंस लाइफ। दिस इज अ न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट विच कंटेन्स द गुडनेस ऑफ सोय एंड मिल्क प्रोटीन प्लस साथ ही साथ ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स है और एडेड बेनिफिट्स ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक भी है। सो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को आपकी फूड डाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ हमारे एक पैकेट में 30 सैशेज हैं, हमारे एक बॉक्स के अंदर 30 पैकेट्स हैं। ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स एंड एटमी बैलेंस लाइफ इज बेसिकली न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड सप्लीमेंट विच कंटेन्स सोए आइसोप्रोटीन्स दैट इज सोया के आइसोलेट है प्लस ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स है इसके अंदर, वाइटामिन एंड मिनरल मिक्स है, प्री एंड प्रोबायोटिक मिक्स है प्लस फाइबर्स और कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। प्लस हमारी जो इम्प्रॉपर डाइट है उसको बैलेंस करने के लिए एटमी बैलेंस लाइफ के अंदर ग्रीन एंड वेजिटेबल मिक्स है जिसमें 8 काइंड्स ऑफ ग्रेन्स हैं प्लस 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्लम पाउडर और बहुत ही एडिशनल दूसरे न्यूट्रिशनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारी हेल्थ को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, प्लस एक साथ मिलके ये बहुत ही ग्रेट टेस्ट भी देते हैं। सो टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ यू कैन यूज एटमी बैलेंस लाइफ। सबसे पहले अगर आप किसी हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी वे में, सो स्ट्रिंजेंट आपको डाइटिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन यूज एटमी बैलेंस लाइफ इन द ब्रेकफास्ट एंड डिनर विच विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। प्लस एडिशनली अगर आप अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, वेट मेंटेन करना चाहते हैं, राइट, सो यू कैन यूज एटमी बैलेंस लाइफ ईदर इन ब्रेकफास्ट और ड्यूरिंग डिनर, मतलब किसी भी एक टाइम, विच विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर वेट। सो अब हमें इसे पता है लेना क्या है बट इसको बनाना कैसे, सो इसको प्रिपेयर करना भी उतना ही आसान है। ईदर आप डायरेक्टली सेशन में इसको बना लें या फिर शेकर का यूज़ करें, जैसे भी आप चाहें। इसके लिए आप एक पैकेट एटमी बैलेंस लाइफ का लें और उसके अंदर ऐड करें 200 ml ऑफ मिल्क या वाटर, एनीथिंग, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, जो भी आपकी चॉइस हो उसके बेसिस पे आप जस्ट मिक्स करें, उसको स्टिर करें, शेक करें, जो भी प्रोसेस आप यूज़ करना चाहते हैं, एंड यू कैन जस्ट कंज्यूम इट अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। अब इसी के लिए आप एटमी बैलेंस लाइफ प्रोग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। Initially, we are coming up with the morning or night program. अब या तो आप morning program choose कर सकते हैं या night या दोनों, based on your requirement आप किस तरह से अपनी weight manage करना चाहते हैं। इन सभी program की details हम आपको आगे further training sessions में provide करेंगे, step by step guide भी करेंगे। So, just use Atomy Balanced Life for a healthy weight management. So, इसी से हमें पता चलेगा the thing, balanced diet equals to balanced life. Well, thank you.